अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद करती सब ठीक होंगे। अनीला रानी ब्लॉग में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं देगी स्टाइल में चिकन बिरयानी। तो ये प्याज मैं पिंक कर रही हूँ, यानी कि ब्राउन ही करूँगी। ब्राउन करके प्याज को हम निकाल लेंगे, फिर इसमें चिकन फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमने प्याज निकाली ब्राउन करके कि चिकन फ्राई करेंगे, और इसके साथ ही वो जो लहसुन का पेस्ट है वो ऐड कर देंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने लिया है कुछ जवे, और इसको इसमें डाल देंगे। ये टमाटर हैं जी 4 अदद, ये भी तैयारी में है। ये हरी मिर्चें हैं, इमली मंगवाई है मैंने, सूखा धनिया साबत, और ये बिरयानी मसाले के 2 डिब्बे मंगवाए हैं। तो कोशिश पूरी है वैसे ही बन जाए। ये देखिए जी, प्याज ब्राउन हो चुकी है। इस दही में प्याज को हम डाल के और हरी मिर्चों को ब्लेंड कर लेंगे। ये आ गया लहसुन का पेस्ट और साथ में टमाटर। लहसुन आप उसमें भी डाल के, दही में भी डाल के ब्लेंड कर सके, लेकिन उसकी स्मेल बहुत तेज़ हो जाती है। फिर ऐसे ज़रा ना स्मेल नहीं आती, कुछ लोग नहीं ना खाते। ये मैंने चावल मैंने ये देखिए जी, अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे और इसका समोसा पेस्ट बन जाएगा। ये साबुत मसाले मैंने घर से भी लिए हैं, साबुत मसाले घर से, ओके घर से लिए हैं। ये देखिए इमली, क्योंकि 2 डिब्बे मुझे लग रहे थे कम हो गए। बिरयानी तो पता है आपको देगी मसाले वाली ही अच्छी लगती है, इसलिए स्पाइसेस आप खुद अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। तो एक बिरयानी का मसाला मैंने अब इस स्टेज पे डालूंगी, जब चावल डालूंगी ना उससे पहले डाल दूंगी। लीजिए चावल डाल दिए हमने, और नमक मिर्च आप टेस्ट के हिसाब से चेक कर लीजिएगा। जैसे ही हम चावल दम पे लगाएंगे, ये मैंने बड़ी अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। पतीला बहुत मुझे बड़ा लग रहा है, 2 किलो चावल बना रही हूँ मैं। ये देखिए हरी मिर्चें गई हैं, शिमला मिर्च एक बड़े दिनों की फ्रिज में पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलो ये भी काम में आ जाएगी। एक शिमला मिर्च डाल दी है। चूल्हा मेरा ऊंचा ना, इसलिए मुझे ज़रा चम्मच हिलाने में प्रॉब्लम होती है। अब चावल दम पे रखेंगे, चावल मुझे लग रहा है थोड़े से दब गए हैं, चले इतना तो हो ही जाता है। अब इसमें हम डालेंगे जर्दा रंग, और साथ में पुदीना डालेंगे। मैंने बड़ी कोशिश की थी कि लीमू जो है ना उनके स्लाइसेस अच्छे से बन जाए, लेकिन वो बस टेढ़े मेढ़े ही हैं। साथ में वो डाल के हम दम पे लगा देंगे इसको। लीजिए जी, रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। अब इन रॉ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।